नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना तिवारी, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी किचन गार्डन में आपको एक गोल वाली लौकी दिख रही है और ये अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है तोड़ने के लिए। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये लौकी अब काफ़ी बड़ी हो गई है और इतनी ही बड़ी एक लौकी हम लोग तोड़ चुके हैं और ये दूसरी लौकी ये हुई। तो लौकी बहुत थी, फूल बहुत खिलते हैं, लेकिन जितने फूल खिलते हैं उतने होता नहीं है, क्योंकि फूल खिलता है वो झड़ जाता है। तो इस लौकी में जो गोल वाली लौकी होती है, अगर घर पे आप लगाते हैं तो ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, 4-5 ही आपको बमुश्किल मिलेंगी, 4-5 से ज़्यादा नहीं मिल पाती, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट ईयर भी जब लगाया था लौकी तो भी ऐसा ही हुआ था कि हमें 3 या 4 ही मिल पाई थी। और अब की बार भी यही हुआ है कि एक इतनी ही बड़ी लौकी हम लोग तोड़ चुके हैं और अब ये दूसरी लौकी है जो इतनी बड़ी हो पाई है। ये देखिए, और ये ऐसा लगता है कि 1 किलो से ऊपर की लौकी होगी। और जब पहली लौकी हम लोगों ने तोड़ी थी तो वो भी 1250 ग्राम की थी, और मतलब ये देखिए बिल्कुल हरी, और इसमें फ्रेशनेस है, बिल्कुल अभी रोई है। ये भी नहीं है ना कि ये इतनी बड़ी हो गई है तो ख़राब हो जाए, या ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बीज भी नहीं ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने पहली लौकी तोड़ी थी तभी इतनी बड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा बड़ी होने की वजह से शायद इसमें बीजे हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम लोगों ने मैंने ही मतलब जब उसको काटा, और बल्कि सब्ज़ी उसकी इतनी टेस्टी बनी थी, उसमें इतना मतलब खुद ही इतना पानी था कि मतलब अच्छी सब्ज़ी थी। और लौकी भी आपको बिल्कुल सॉफ्ट लौकी, गोल वाली लौकी लंबी वाली से ज़्यादा अच्छी बनती है और होती भी है बिल्कुल। और आप देख ही रहे हैं कि एक लौकी लगी हुई है, और इसी लौकी में ही आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने तरोई भी लगा रखी है। एक ही मीन पॉट एक ही है, ये देखिए हमारा पॉट है, ये है पॉट हमारा, इसी में हमने लौकी और तरोई दोनों लगा रखे हैं आप। और एक ये है छोटा गमला, इसमें एक तरोई का पेड़ है, और तरोई भी काफ़ी लगी हैं और काफ़ी तोड़ चुके हैं। आप देखिए, ये एक फूल और आ रहा है, बल्कि अभी 3-4 दिन पहले ही इसमें से हम लोगों ने 4-5 तरोई और तोड़ी हैं, क्योंकि अब ये पेड़ जो है, अब तरोई का पेड़ ख़राब हो गया है, ज़्यादा नहीं हो रही हैं। ये देखिए आप, इस तरह से छोटी छोटी तरोई कई सारी लगी हैं। ये देखिए, ये है ऊपर लगी हुई है, और पेड़ उधर तक, देखिए उधर तक हो गया है पीछे तक पूरा, ये देखिए। तो मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए फूल आया हुआ है छोटा सा, उसमें तरोई हो रही है, उधर भी एक आप देख रहे हैं, ये देखिए तरोई छोटी सी। तो इसी तरह से अभी तरोई जो है, हम लोगों को 5-6 तरोई और मिल जानी है। और ये देखिए, ये छुपी हुई सी है, ये देखिए, और लेकिन अब ये पेड़ ख़राब हो रहा है ना, ये देखिए सूख रहा है पूरा सा। तो सूखने की वजह से अब इसमें उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है जितनी स्टार्टिंग में हुई है। स्टार्टिंग में तो एक बार में 6-7 करके हम लोग कई बार तोड़ चुके हैं, लेकिन अब जो है कि अब ये ख़त्म हो रही है। अब जो भी हो, इसका मौसम ख़त्म हो रहा है, या यहाँ पर अब उतना नहीं चलेगी, जो भी हो, लेकिन अब ये ख़त्म ही है, मतलब लास्ट है कि हम लोगों को अब तरोई मिलने वाली है। और वो तरोई तो इसमें मेरे हिसाब से 1, 2, 4, 3, 4 मतलब 6-7 तरोई है जो मिल जाएंगी हम लोगों को। और लौकी तो जैसा कि मैंने आपको दिखा ही दिया, एक लौकी मिलने वाली है, अच्छी खासी लौकी मिल रही है। और जब हम इसे तोड़ेंगे, हो सकता है बल्कि कल ही तोड़ लें हम लोग, और जब हम तोड़ेंगे ना तो मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, तोड़ने के बाद उसका वेट दिखाऊंगी आपको कि ये कितना वेट की है लौकी, मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगी इसका वेट।
और ऐसा लग रहा है इसको देखकर ही कि ये 1 किलो से ऊपर की लौकी होगी ज़रूर। ठीक है, जैसे ही मैं तोड़ती हूँ मैं आपको उसका भी वीडियो बनाकर ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी आपको और वीडियो शेयर करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।